प्यार किसी और से करते हैं, बट माँ बाप शादी कहीं और कर देते हैं, राइट? और किसका किसका शादी होने के बाद भी अफेयर चल रहा है अपने बॉयफ्रेंड के साथ या। हे गाइस, वेलकम टू पीएसके व्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रतिभा और आज मैं बहुत टाइम के बाद कुल्हड़ चाय पी रही हूँ। मतलब ये बिल्कुल आग में जला के इसके अंदर पता नहीं कैसे बनाते हैं वो लोग, यार क्या मस्त लगता है ये। किसको किसको पसंद है कुल्हड़ चाय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही ये ढेर सारे समोसे और यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी। ये खट्टी नहीं है, ये तीखी चटनी है, ये मिर्ची की चटनी है। और यहाँ पे है मीठी वाली चटनी समोसे के साथ, जो कि बहुत ही कम जगहों पर मिलती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, तो चलो फटाफट से करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और उसके बाद भी आपका अफेयर है कहीं, या फिर आपका बॉयफ्रेंड है, या फिर कई बार ऐसा होता है ना आज की डेट में कि हम प्यार किसी और से करते हैं बट माँ बाप शादी कहीं और कर देते हैं, राइट? तो वो जो रिलेशनशिप है, वो जो रिलेशन है हमारा, वो कंटिन्यू रहता है। तो इस तरीके की चीज़ों में अगर आप पड़े हैं तो क्या करें, कैसे निकलें, और शादी के बाद अफेयर सही है या नहीं, ये भी मैं आज बात करने वाली हूँ। ठीक है, कि शादी के बाद अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो वो कितना सही है। ये एक्चुअली कॉमेंट आया था मुझे कि इस बारे में बात कीजिए, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे बात भी करूंगी, पर ठीक है, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो चलो फिलहाल खाना शुरू करते हैं और बहुत सारी बातें भी करेंगे। किसका किसका शादी होने के बाद भी अफेयर चल रहा है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, या पुराना रिलेशन कंटिन्यू चल रहा है, या फिर नया रिलेशन, तो मुझे कॉमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समोसे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, और मुझे ना खास करके आलू वाले समोसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बाकी पनीर वनीर ये सब मुझे पसंद नहीं आते। आजकल चाउमीन मैगी पता नहीं क्या क्या उसमें भर भर के बनाते हैं, मुझे वो सब अच्छे नहीं लगते। पर समोसे वाले ही आलू वाले समोसे ही मुझे अच्छे लगते हैं हमेशा से। तो मैंने जो है पानी पी लिया है। और किसने किसने ऐसा सुना है कि चाय पीने के बाद अगर आप पानी पीते हैं ना तो आपके दांत टूट जाते हैं, पता नहीं मेरे गांव में सब बोलते थे। तो चाय देखते हैं कैसी है। तो गाइस, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अगर किसी का रिलेशनशिप है शादी के बाद, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप कह सकते हो आप, जो बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, शादी के बाद भी लोग अफेयर करते हैं और इस तरीके की चीज़ें, तो इस तरीके की चीज़ें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, इस टॉपिक पे ही मैं बात करने वाली हूँ। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ऐसा होता है आज की डेट में कि बच्चे जो है किसी और से प्यार करते हैं। मान लीजिए आपका किसी से लव है, ठीक। आजकल आपने देखा होगा 95% ऐसे लोग हैं, लड़का हो चाहे लड़की, सिंगल कोई नहीं है। 95% आप देख लो, 95% देख लो, सिंगल कोई नहीं है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं रिलेशन उसका रहा ही है। बहुत कम लोग होते हैं जो बच जाते हैं, बहुत कम लोग। तो पर क्या 95% अगर रिलेशनशिप सक्सेसफुल होते हैं, 95% अगर लड़का लड़की सब जिसको देखो कमिटेड है, जिसको देखो कमिटेड है, जिसके देखो बॉयफ्रेंड है, जिसके देखो गर्लफ्रेंड है, तो क्या सबकी शादियां हो जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। सबकी शादी नहीं, बहुत कम होते हैं जिनकी शादियां होती हैं, जिनकी लव मैरिजेस होती हैं। और बहुत सारे लोग आज की डेट में, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, शादी होने के बाद भी अपने पुराने रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं। कई लोग तो इतने ज़्यादा महान हैं, कह सकते हो आप इतने उच्च कोटि के प्राणी हैं कि शादी के बाद भी वो रिलेशन स्टार्ट कर देते कहीं। मतलब पुराना लफड़ा नहीं चल रहा है तो अभी नया लफड़ा स्टार्ट कर दो। देखो, ये सही है या नहीं, मैं यही कहूँगी, अगर आपको अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बनानी है, अगर अपनी लाइफ झंड करनी है ना, तो ज़रूर आप रिलेशनशिप नया स्टार्ट करो शादी के बाद। कहीं और रिलेशनशिप, ये जो अफेयर होते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, देखो मैं साफ साफ कहती हूँ, देखो आजकल ना बहुत से लोग कहते हैं ना कि अरे चल सब चलता है, हम लोग ओपन माइंडेड है।
अपने कैरेक्टर को गंदा करके आप ओपन माइंडेड खुद को मत समझें, ठीक है। अगर आप आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाएगी, अगर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दोगे, उसको अगर आप कहते हो ओपन माइंडेड, तो भाई ये ओपन माइंडेड नहीं है, ठीक है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, अपनी लाइफ को ना हम खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, उसकी ऐसी तैसी करके रख देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी ही है, हमारी हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, भगवान ने हमको अच्छा नहीं दिया, ऊपर वाले अच्छा नहीं दिया, इस तरीके की चीजें हम, हालांकि हम खुद अपनी लाइफ खराब करते हैं। मैं कहती हूँ आपको क्या जरूरत है, आपका अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप किसी के साथ रिलेशन में हो, अगर सामने वाला बंदा आपके साथ लॉयल है, तो प्लीज उसके साथ लॉयल रहने की कोशिश कीजिए, उसको उसके साथ गलत मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में अच्छा रिलेशनशिप, अच्छे लोग बहुत नसीब से मिलते हैं, अगर आपको मिला है तो प्लीज उसे गवाइए मत, खोइए मत। और अगर कोई लड़की मान लीजिए इस तरह की चीजें करती है, या कोई लड़का इस तरह की चीजें करता है, तो क्या करना चाहिए आपको, बिल्कुल बर्दाश्त मत करिए चीजों को, झेलिए मत। आई नो कि मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, खास करके हमारे समाज में, हमारे आसपास जिस तरीके की चीज़ें हैं, जिस तरीके का इन्वायरमेंट है, आप खुद से जितना परेशान नहीं रहोगे ना, लोग आपको बातें सुना सुना के परेशान करेंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, जितना हो सके खुद को मजबूत बनाइए, खास करके लड़कियों, अपने आप को जितना हो सके मजबूत बनाइए, बहुत ज़रूरी है खुद को मजबूत बनाना। मुझे लोग कमेंट करते हैं हमेशा कि आपके जानने वाले देखते हैं आपकी वीडियोस, तो क्या मतलब यहाँ डाका डालना सिखा रहे हैं, इधर हम अपना खरीद के अपना खा रहे हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं। तो अब पहली बात तो है कि मैं साफ साफ बता दूं, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, मेरे बारे में कौन क्या कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। घंटा मुझे कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप पे मुसीबत आएगी, जब आप का समय खराब चल रहा होगा ना, तो ये वही रिश्तेदार जिनकी आप सोचते हो ना, वही अगल बगल पड़ोसी पड़ोसी, ये वही होंगे जो आपको देखेंगे तक नहीं जब आप पे मुसीबत आएगी, ठीक है। तो लाइफ, मैं बार बार बोलती हूँ ये चीजें कि जो लाइफ है ना, वो सिर्फ एक बार मिलती है, और मनुष्य का जीवन बड़े ही नसीब से मिलता है, बड़े ही नसीब से। तो प्लीज इसको एंजॉय कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, कोई आपके साथ अगर गलत कर रहा है तो सबक सिखाइए, बिल्कुल जैसे को तैसे देना जरूरी है। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि यार ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, या कुछ नहीं कर सकती इसमें, तो ऐसे में आपको ना ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, चीजों को समय पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और यकीन मानिए, जब आप चीजों को समय पे छोड़ देंगे ना, तो ऑटोमेटिक चीजें ठीक हो जाएंगी, और आपको भी लगेगा ना कि, और एक चीज मैं बताऊं, हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है, ठीक है, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हम ये भी कर लें, हम दुनिया पलट दें, ऐसा नहीं होता है, हम अकेले ये सब चीजें नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में होती है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जो चीजें हमारे बस में नहीं है, बेटर है कि आप समय पे छोड़ दें, ठीक है, आप बहुत खुश रहेंगे, स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बोलती हूँ चीज़ें। और प्लीज़ अपने अंदर नेगेटिविटी जितनी हो सके ना, जितनी हो सके नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, नेगेटिविटी कम फैलाइए, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, मतलब मैं कहती हूँ ना, नेगेटिविटी ऐसी चीज़ है ना कि आपको अंदर अंदर खा जाएगी, कब आपको पता भी नहीं चलेगा। जितनी हो सके नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, नेगेटिविटी ना खुद फैलाइए, ना नेगेटिव चीज़ें देखिए, जितना हो सके ना खुद को पॉजिटिव रखिए, मस्त बिंदास लाइफ एंजॉय कीजिए। और हमेशा मैं बोलती हूँ, अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीना सीखो, लड़कियों खास करके अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीना सीखो, दूसरों के हिसाब से चलना बंद कर दो, यकीन मानो आप बहुत खुश रहोगे, ठीक है। अपनों की केयर करो, सबका ख्याल रखो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखो, आप खुश रहोगे तो सब खुश रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें खाने के बाद ना
प्याज बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा। ये मेरा फेवरेट है, जो इसका क्रंची हिस्सा होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मस्त लगता है। सच में बहुत टेस्टी है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि आप चपर चपर करके क्यों खाते हो, चप चप करके क्यों खाते हो। हम ऐसे खाते हैं, हमारी आदत है। अच्छा, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। समोसा बहुत टेस्टी है। लाइफ को एंजॉय किया करो यार, जिसको बोल जो बोलना बोलने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, बाद में यार एकदम चिल। बोलने वाला आपका है कौन ये बताओ। और अगर मैं अपनी बात करूं लाइफ में, तो मैंने सिर्फ उन लोगों की सुनी है या सिर्फ उन लोगों के हिसाब से मैं चली हूँ जो मुझे समझते हैं, ठीक है। फिर वो चाहे मेरे मायके के लोग हैं, चाहे वो मेरे ससुराल के लोग हैं, जो मुझे समझता है मैं उनको बहुत अच्छे से समझती हूँ। और अगर मैं उन लड़कियों में से हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ जो मेरे लिए एक कदम बढ़ाएगा ना, मैं उसके लिए 10 कदम बढ़ाऊंगी। अगर वो मुझे थोड़ा सा भी प्यार देंगे ना, मैं बदले में उनको बहुत सारा प्यार दूंगी। मैं उनमें से हूँ, ठीक है। तो मेरी फैमिली ये बात बहुत अच्छे जानती है, मेरे ससुराल वाले भी ये बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं और मैं भी उनके इस वजह से उनका मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ कैसे रहना है, अपनी सासू माँ के साथ कैसा बिहेव करना है, अपने हस्बैंड के साथ कैसा बिहेव करना है, किसके साथ किस तरीके से रहना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मुझे किसी से ये सीखने या समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं ये मानती हूँ कि मैं अगर आपकी लाइफ में कोई भी अच्छा इंसान आ रहा है तो उसको बहुत संभाल के रखो, बहुत संभाल के रखो, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं मिलते, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली हो या कोई भी हो, ठीक है। अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं, तो उनको संभाल के रखो।
कि दूध को बिल्कुल जला के एकदम खोआ मेवा सब डाल दिया इसमें, इतना टेस्टी लग रहा है, ये लग ही नहीं रहा ये चाय कम लस्सी ज्यादा लग रही है, बहुत टेस्टी वाली लस्सी। तो गाइस फिलहाल ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और जितना हो सके लाइफ को सिंपल जीने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा हाई फाई सपने बहुत ज्यादा चीजें पालने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके खुद को सिंपल रखिए, खूब काम कीजिए लाइफ में, खूब मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, लेकिन जरूरतों को लिमिट तक रखिए, यकीन मानिए आप बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि जरूरतों का क्या है वो कभी खत्म नहीं होंगी, कभी भी खत्म नहीं होंगी, आज ये मिल जाए कल वो मिल जाए कल उधर वो मिल जाए कभी ये मिल जाए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं राइट। और कॉल आ रही है लग रहा मेरे हस्बैंड आने वाले ड्यूटी से, 10 से ऊपर हो गया शायद, तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको क्या जानना है किस बारे में मैं कमेंट करूँ, मैं किस बारे में आपसे बात करूँ प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।